ढेरों कोशिशों के बाद खरगोश की चाल के साथ चांद पर पहुंचने की होड़ में रूस का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया, जबकि चंद्रयान 3 कछुए की चाल को फॉलो करते हुए धीरे धीरे चंद्रमा के हर गणित को समझते हुए कदम आगे बढ़ा रहा है। अब अगर भारत का चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल होता है तो चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। 40 दिनों की लंबी यात्रा के बाद 23 अगस्त को चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने की कोशिश करेगा। फिलहाल इसका लैंडर मॉड्यूल चांद की सतह से महज 25 से 150 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है। वहीं इस बीच इसरो ने भारतीयों के लिए खुशी की खबर शेयर की है। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर का चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल के साथ संपर्क हो गया है। चांद की सतह पर मौजूद चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का स्वागत किया है। दोनों के बीच टू वे कम्युनिकेशन स्थापित हो गया है। चंद्रयान की चांद पर लैंडिंग के लिए टिक टिक शुरू हो चुकी है। अब बस 48 घंटे के करीब समय बचा हुआ है। इसरो ने चंद्रयान की लैंडिंग के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। बाकायदा लैंडिंग के इवेंट को इसरो लाइव दिखाएगा। वहीं रूस जहां लूना 25 को लेकर बीते कुछ सालों से तैयारी कर रहा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से रूस का ये मिशन फेल हो गया। रूस ने 47 साल बाद चांद पर अपना मिशन भेजा था। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने रविवार यानी 20 अगस्त को बताया था कि शनिवार शाम 5:27 पर उसका स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया था। शुरुआती एनालिसिस के नतीजों से पता चलता है कि कैलकुलेशन से जो पैरामीटर सेट किए गए थे उन पैरामीटरों से स्पेसक्राफ्ट डेविएट हो गया। वहीं अभी तक जितने भी मून मिशन हुए हैं वो चांद के इक्वेटर पर पहुंचे हैं। ये पहली बार था कि कोई मिशन चांद के साउथ पोल पर लैंड करने वाला था, लेकिन भारत का चंद्रयान 3 भी साउथ पोल पर लैंड करेगा। इसरो के पास अब ये बड़ा मौका है। हालांकि इससे पहले दो बार इसरो को नाकामी हाथ लगी थी। चंद्रयान 1 का मून इंपैक्ट प्रोब चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जबकि चंद्रयान 2 के लैंडर से सॉफ्ट लैंडिंग के आखिरी मिनट में सिग्नल मिलना बंद हो गया था। लेकिन अब भारत के चंद्रयान 3 की चांद पर अगर लैंडिंग सफल होती है तो भारत नया रिकॉर्ड कायम करेगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखने वाला भारत पहला देश बन जाएगा।